हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है नाइम और आप देख रहे हैं अपना एंड्रॉयड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रियलमी का जो नया ईयरफोन लॉन्च हुआ है उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। तो ये ईयरफोन सिर्फ 500 रुपये में लॉन्च किया गया है। इसको आप अमेज़ॉन से और फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं और रियलमी का वेबसाइट से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन से परचेस कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अगर कोई डिस्काउंट कूपन वगैरह फ्यूचर में आता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर का बॉक्स है और बॉक्स का क्वालिटी यार काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे पीछे के साइड में आप देख सकते हैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दिया गया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। MRP जो यहाँ पे लिखा गया है वो 699 है, लेकिन आपको 599 में मिल जाएगा फ्लिपकार्ट और अमेज़न में। यहाँ पे जो ड्राइवर साइज़ लिखा गया है वो 11 mm का ड्राइवर साइज़ लिखा गया है। तो ये फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग आप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक और बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हेडफोन दिख जाएगा। और बॉक्स का क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम रखा गया है, बॉक्स में काफ़ी ध्यान दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ईयरफोन देखने को मिल जाएगा सामने के साइड में ही, और आपको जो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है वो आपको एक और बॉक्स जो आपको मिल जाएगा उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आपको बॉक्स में 3 चीज़ें मिलेगा, वारंटी इन्फॉर्मेशन कार्ड, ईयरफोन और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। और यहाँ पे वारंटी आपको 6 मंथ का वारंटी मिलने वाला है। तो अब सब चीज़ को साइड में रख देते हैं और ईयरफोन की तरफ देखते हैं। तो पहला चीज़ जो आप नोटिस करेंगे इस ईयरफोन को खोलने के बाद, तो इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी वेल बिल्ट ईयरफोन है। अगर हम इसका प्राइस को देखें तो 500 रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर मिल जाता है। जो केबल है वो ब्रीडेड केबल है, यहाँ पर आपको केबलर केबल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ नीचे हाफ में है। और यहाँ पे जो 3.5 mm जैक है वो गोल्ड प्लेटेड नहीं है और एंगुलर भी नहीं है, जैसा कि आपको मी ईयरफोन में देखने को मिलता है। एंगुलर ईयरफोन मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन यहाँ पे आपको एंगुलर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे केबल का क्वालिटी जो है काफ़ी रफ़ एंड टफ है, आप इतना आसानी से ये टूटने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके जो ये केबलर है ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नॉर्मल सा प्लास्टिक का केबल आ जाता है जो कि काफ़ी मजबूत है। उसके बाद बटन की बात करें, बटन भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा दिया गया, लेकिन फीडबैक उतना अच्छा नहीं है। आपको काफ़ी मतलब टफ़ फील होगा, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़ोर से इसको प्रेस करना पड़ेगा तब आपको रिस्पांस मिलेगा। लेकिन बाकी यहाँ पे जो फीचर दिया गया काफ़ी अच्छा दिया गया, आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं इससे और आपका जो कॉल को भी रिसीव एंड ये कर सकते हैं। यहीं पर आपको जो है रियलमी का ब्रांडिंग भी दिया गया है और माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे जो ईयर पीस है ना उसमें आपको मैग्नेट्स दिया गया जिसकी मदद से ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाता है। तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना यार आपको ये मैग्नेट वाला फ़ीचर कैसा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये मैग्नेट पसंद आया कि नहीं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो ये हाउसिंग है ना ये कंप्लीट प्लास्टिक का बनाया है, लेकिन आपको यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं येल्लो का जो टेक्स्चर है वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है। ओवरऑल ना रियलमी ने काफ़ी ध्यान दिया है इसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो बिल्ड क्वालिटी के ऊपर अगर हम इसको रेट करें ना, तो मैं इसको 8 out of 10 रेट करना चाहूँगा। बढ़िया काम किया है यहाँ पे, 500 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी मिल जाता है। तो गाइज़ आप मेन जो है साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, और मैं इसको काफ़ी सिंपल रखना चाहूँगा। तो जो बेस आउटपुट है आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, और इंडियन ऑडियंस को बेस काफ़ी मायने रखता है, तो बेस आउटपुट आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, बेस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करें तो आपको एवरेज सा साउंड क्वालिटी इससे मिलने वाला है। कुछ हाई एक्सपेक्टेशन मत रख लेना, जैसे कि आपको JBL C100SI या फिर ऑडियो टेक्निका AT CLR 100 में मिलता है। और अगर हम कंपेयर करें तो यार उनका प्राइस भी इससे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनमें क्या है कि बिल्ड क्वालिटी उतना खास नहीं है जो कि आपको इसमें मिल रहा है। तो एवरेज सा साउंड क्वालिटी है, जैसे आपको मी ईयरफोन 400 रुपीज़ वाला में मिलता है ना, सेम आउटपुट इसमें मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये ईयरफोन लेना चाहिए। तो उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया ना वीडियो को, तो नीचे आपको लाइक बटन दिख जाएगा, लाइक ज़रूर कर देना। जो लोग नए हैं चैनल को, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको 8 out of 10 रेट करना चाहूँगा। और यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है ना यार काफ़ी ज़बरदस्त है, और साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक है। अगर हम इसको साइड बाय साइड आप नहीं सुनोगे ना, तो आपको उतना कुछ पता भी नहीं चलेगा, आपको अच्छा आउटपुट इससे मिल जाएगा। और 500 रुपीज़ प्राइस है, तो इसको आप कंपेयर भी नहीं कर सकते किसी बड़े ईयरफोन के साथ। तो अगर आप 500 का बजट में है तो ये ईयरफोन कंसिडर कर सकते हैं।
लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेस कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं नईम इस्लाम आपसे मिलेगा किसी और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।